2 बजे रात को तो सुहाना रोने लगी कि मेरा कान दर्द कर रहा है, तो उठी, दवा उबा ढूंढी घर में, सो नहीं पा रही थी, नींद नहीं आ रहा था ना, इतना दर्द कर रहा था। मैम को मैं बोल दूंगी अगर आपको कान फिर से दर्द वर्द करे तो मैम को बोलूंगी कॉल करने को, ठीक है? तो मैं आपको लेके आ जाऊंगी अगर कान वान दर्द किया फिर से तो। मैम को बोलेंगे? हाँ बोल दूंगी, ठीक है? ठीक अगर गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करते अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और स्वागत है आप सभी को हमारे एक और प्यारा सा ब्लॉग में। तो अभी सुबह का टाइम 5:30 बज रहा है और धूप निकल चुका है, तो अभी मैं पूजा वूजा कर ली हूँ और अब जा रही हूँ थोड़ा सा टीका लगाने, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी मेकअप करना है, मतलब मेकअप नहीं करती हूँ मैं, जब पूजा करती हूँ तो मतलब सिंदूर लगा के ऐसे कर लेते हैं पूजा, और उसके बाद जब पूजा वूजा हो जाता है, ज़्यादातर जब पूजा वूजा हो जाता है फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मेकअप करने के बाद टीका लगाती हूँ। तभी जा रही हूँ मैं थोड़ा सा टीका लगाने और फिर चलेंगे किचन में। तो अभी टीका लगा के आ गए हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों, बाल धोए हैं, अभी कुछ देर में बाल समेट लूँगी और अभी किचन में आ गए हैं, जल्दी से खाना बना लेते हैं क्योंकि सुहाना को लेके हॉस्पिटल जाना है। सुहाना रात भर, मतलब शाम के टाइम पे जब मैं गई सब्ज़ी लाने 6:30 बजे के करीब, वीडियो पोस्ट करने के बाद मैं गई थी सब्ज़ी लाने, उस टाइम पे सुहाना नहीं बोली थी कि उसको कुछ हो रहा है, तो बोलती तो उसको मैं लेते चलती उधर से दवा लेती आती, उस टाइम नहीं बोली, वो बोली कि मैं होमवर्क कर रही हूँ मम्मा आप जाओ, तो मैं चली गई। सुहाना होमवर्क कर, सुहाना के बाहर में थे, प्लस्तर व्लस्तर करवा रहे थे तो वही सब देख रहे थे, कोई पैर वैर ना रखते, कच्चा था वो प्लस्तर। तो जब आई तो सुहाना बोली मुझे कान दर्द कर रहा है, तो मैं बोली ज़्यादा दर्द कर रहा है? तो बोली नहीं थोड़ा थोड़ा, तो मैं बोली ठीक है फिर कल चलेंगे दवा लाने, तो बोली हाँ, मुझे लगा थोड़ा बहुत दर्द कर रहा होगा। तो सो गया। जब 2 बजे रात को तो सुहाना रोने लगी कि मेरा कान दर्द कर रहा है, तो उठी, दवा उबा ढूंढी घर में, कहीं पे नहीं मिला, क्योंकि 2-3 महीने पहले सुहाना को एक बार और ऐसा हुआ था, तो मुझे लगा शायद दवा होगा घर में, तो नहीं मिला। सुहाना को जब भी 2-3 बार से ऐसा हो रहा है, जब भी जो सर्दी जुकाम लगता है तो साथ में कान दर्द भी करता है, तो यहाँ पे कान के हॉस्पिटल में भी लेके गए थे पिछले बार, तो वहाँ पे भी सर्दी का दवा ही दिए थे और बोले थे कि सर्दी से ही हो रहा है, सर्दी जुकाम लगा है इसलिए हो रहा है, बस एक ईयर ड्रॉप दिए थे। तो अभी जैसे तैसे करके सुहाना को रात में ऐसे होता है पैर वैर दबाने लगी तो वो सो गई, अगर नहीं सोती तो लेके जाना पड़ता रात में, तो सो गई तो छोड़ दिए। और अभी रात में रो रही थी तो अभी देर तक सोने देती हूँ मैं, 8-9 बजे के करीब उठाऊँगी, नींद नहीं पूरा हुआ होगा तो इसलिए तब लेके चलेंगे हम हॉस्पिटल सुहाना को, और दवा दिलवा दूँगी जुकाम का भी और ये ड्रॉप भी। और रात को अच्छे से सोई नहीं है तो उसको पूछूंगी, स्कूल अगर जाने का मन करे तो ही जाने दूंगी, अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वैसे तो सुहाना स्कूल जाने मतलब जाना ही पसंद करती है, कभी नहीं बोलती है मुझे स्कूल नहीं जाना। और गर्मी की छुट्टी के लेके आप लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं दोस्तों कि गर्मी का छुट्टी उधर नहीं पड़ता है, हमारे यहाँ गर्मी का हो या बारिश का हो या ठंडा का हो कुछ भी का होता है ना, जैसे एक गर्मी सीजन में अभी जून जुलाई के टाइम में ही अभी एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम के बाद 10 दिन या 15 दिन का छुट्टी दिया जाएगा, वही होगा गर्मी छुट्टी। और फिर ठंड के टाइम पे भी एक टर्मिनल एग्ज़ाम होता है, उसके बाद भी 10 या 15 दिन का छुट्टी देते हैं, वही हो जाता है ठंड का छुट्टी, ऐसे करके छुट्टी देते हैं, कोई स्पेशल जैसे कि ये समर का वैकेशन ही 1 महीना हुआ 2 महीना हुआ ऐसे करके छुट्टी नहीं देते हैं, बस 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे करके, वो भी एग्ज़ाम टर्मिनल एग्ज़ाम लेने के बाद 15 दिन 20 दिन या 10 दिन 12 दिन ऐसे करके छुट्टी देते हैं। तो अभी सुहाना का कुछ दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, मुझे लगता है 15-20 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद छुट्टी होगा फिर 15-20 दिन का। तो ये है, तो भी जल्दी से खाना बना लेते हैं क्योंकि चलना है हॉस्पिटल। तो यहाँ पे दाल चढ़ा दिए और साथ में नहाई थी तो कपड़ा सब है ये सब धो लेते हैं। तो अभी कपड़े डाल दिए सूखने को, और ये सुहाना का शर्ट है, डेली गंदा होता है, अगर स्कूल जाएगी तो ये पहन के जाएगी, धो दिए, और धूप काफ़ी रहता है आजकल, 2 घंटा काफ़ी होता है कपड़े को सूखने के लिए। और देखिए अभी कितना टाइम हुआ है, 6 बजा है और धूप यहाँ ऊपर आ गया, कितना ऊपर आ गए हैं, थोड़ा बहुत बादल है आज, वरना अभी तक में बहुत ज़्यादा धूप रहता।
और ये हमारा गार्डन देखिए, फूल तो बहुत अच्छा है एलोवेरा भी, और ये फूल भी बहुत बड़ा हो गया है, और मिर्ची सब भी थोड़ा बहुत फलने लगा है, देख सकते हैं बिना कुछ दवा खाद कुछ भी बिना दिए हुए। और ये जो कुर्मी हम पीछे से रोप दिए थे, ये कुर्मी देखिए कितना ज़्यादा हो गया है, कितना ज़्यादा फल भी रहा है। अब आप लोग को शायद आइडिया लगे कि ये क्या चीज़ है, देखिए घास है एक तरह से सोचिए तो। इसको मैं उखाड़ दी थी तो पतिदेव जी बोले थे कि क्या था, इसको पहले रहने देते तब पता चलता कि ये क्या है एक्चुअली में, तो मैं रोप दी थी और रोप दी तो लग भी गया, देखिए कितना फला भी है, बहुत ज़्यादा फूल भी दिए हैं फला भी है, और साथ में ये छोटा छोटा फूल फलता है इतना छोटा छोटा रेड रेड कलर का, ये भी मैं ला के रोपी हूँ तो ये भी लग गया है। इसको सपोर्ट चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए, ये लत्ती वाले फूल हैं, मैं सपोर्ट डाल दी थी एक दिन, किसी ने निकाल दिया, आज किसी टाइम पर इस यहाँ पर कुछ डाल दूँगी ऐसे ताकि ऊपर चढ़ के ये फूल सके। और पता नहीं ये मैं क्या रोपी थी, मैं ही रोपी हुई। अच्छा ये देखिए दोस्तों आम आदि है, ये इसका चटनी बनता है चोखा, तो आप सबको ये पहले मैं ही रोपी हूँ, नीचे चल के दिखाते हैं कि क्या है आम आदि और मैं कैसे रोपी हूँ इसको। देखिए लग गया है, ये लग गया, ये लग गया, देखिए अब ये आम आदि अंदर में फलता है, अदरक होता है ना उसी तरह से होता है आम आदि, अभी आपको नीचे चल के हम दिखाते हैं। ये नीचे आ गए, अभी आप सबको आम आदि दिखाते हैं, ये देखिए ये है आम आदि मतलब, और हम लोग इसको अदरक को बोलते हैं आदि, ठीक है ये अदरक मतलब आदि, और ये है आम आदि। इसका सब्जी वगैरह में देते हैं थूर के पीस के ये सब करके, और इसका खाते हैं चोखा चटनी ऐसे, देखिए ये आम आदि को ऐसे करेंगे तो ये येलो कलर का दिखेगा, ये देखिए इसका खुशबू काफ़ी प्यारा होता है काफ़ी मस्त, और अदरक को ऐसे करेंगे तो ये वाइट दिखेगा, ये देखिए ये फर्क रहता है आम आदि में और आदि में। देखिए इसका चटनी चोखा बहुत टेस्टी बनता है, बनाऊंगी मैं रोटी बनाऊंगी जिस दिन, देखिए अभी इसको मैं ऐसे हटाई तो इसका खुशबू आने लगा, तो किसी दिन बनाऊंगी मैं रोटी, तो रोटी के साथ इसका चटनी अच्छा लगता है, तो आप सबको मैं दिखाऊँगी कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसी सब में ना तो इसी सब में आम आदि में देखिए इस तरह से ये निकला हुआ था, तो मैं इसको तोड़ तोड़ के ले जाके ऊपर में छत पे किचन गार्डन में डाल दी थी तो वो लग गया है, वही निकला हुआ है, ये देखिए इस तरह से निकला हुआ था तो मैं तोड़ तोड़ के ले जाके ऊपर में डाल दी थी और यही लग गया, अब हमारा छत में ही फलेगा, ये अंदर में फलता है अदरक की तरह मिट्टी के अंदर। हमारा खाना बन गया, ये है दाल, यहाँ पे आलू भिंडी का भुजिया, ये थोड़ा सा रात का चावल था तो उसको फ्राई कर लिए, और ये देखिए पापड़ फोफी सुहाना के लिए बूंदी को पसंद है, और इधर सुहाना नाश्ते में खाती है हलवा, सो के उठेगी तो पहले चावल नहीं खाएगी पहले हलवा खाएगी, तो ये हलवा बना दिए हैं, अगर स्कूल जाएगी तो टिफिन भी रेडी कर दिए साथ में, और यहाँ पे है चावल, और अभी टाइम बज रहा है 8:13-14 तो मतलब सब 8 बज गया है, सारा कुछ हमारा रेडी हो गया है, जल्दी भी करना था, और यहाँ पे सुहाना सो रही है अभी तक, सोने देते हैं, रात को देर से सोई थी, तो अभी 9 बजे सुहाना को उठाऊंगी और फिर नहा धुला के खिला के रेडी करके ले जाऊंगी हॉस्पिटल, ठीक है। अभी शायद नहीं दर्द कर रहा है तो सो रही है आराम से, फैन कौन बंद कर दिए, फैन कौन कर देते, पतिदेव जी उठ के चले गए हैं बाहर, नाली वाला काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो वही सब कर रहे हैं। फिर से ऊपर आ गए हैं, ये बोरा सुखाने के लिए 3 बोरा सीमेंट लगा था हमारे दरवाजे में जो बना है उसको, और यहाँ पे अभी देखिए धूप है भी नहीं बादल है, देखिए फिर भी ये शर्ट हवा में सूख गया, और अभी आपको ऊपर से हम दिखाते हैं हमारे दरवाजा में जो ये 3 बोरा सीमेंट से जो हुआ है काम वो कैसा है, देखिए अभी भी वो कुछ ना कुछ ठीक कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे मिला रहे हैं उसको ढक्कन को कोबर जो है उसको, और ये देखिए हमारा दरवाज़ा धो दिए अभी, इसको पटा दिए, पानी की ज़रूरत होती है मजबूती के लिए, तो वही देखिए हो रहा है, बुनती देखिए वहाँ पे मेरे दुपट्टा पुराने वाले दुपट्टा लेके खेल रही है, ये देखिए अरे बुनती दुपट्टा लाओ खेलू सुहाना खेलती है वो बुनती है, सुहाना का तबीयत खराब है तो वो सो रही है, तो ये मेरी दुपट्टा लेके आ गई है,
और मैं ये खरीद ली थी, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है, मेहंदी कलर का ये मेरा कपड़ा है, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है लेकिन फिर भी अच्छा है। तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था वो, तो उसको छोड़ दी मैं और ये ले ली। तो अभी सुहाना उठ के नहा धो के रेडी हो गई है, अभी क्या खाओगी, हलवा कि चावल? हलवा चल थोड़ा मेरे साथ चावल खा लो फिर हलवा खा लेना, ठीक है? चलिए तो अभी अभी चलेंगे, अभी 9:30 बज गया, अभी सुहाना को लेके चलेंगे हॉस्पिटल दवा लाने, और 11 बजे तक स्कूल छोड़ दूंगी, आज पीटी नहीं करेगी, डायरेक्ट क्लास में ही छोड़ दूंगी जाके, मैम को भी बोल दूंगी, ठीक है बेटा? जाओगी ना स्कूल? जाओगी? तो मैम को मैं बोल दूंगी, अगर आपको कान फिर से दर्द वर्द करे तो मैम को बोलूंगी कॉल करने को, ठीक है? तो मैं आपको लेके आ जाऊंगी, अगर कान वन दर्द किया फिर से तो मैम को बोलेंगे। हाँ बोल दूंगी, ठीक है? ठीक, अगर सुहाना का कान दर्द किया तो सुहाना मैम को बोलेगी, मैम मम्मी को कॉल करेगी, मम्मी लेके आ जाएगी सुहाना का, ठीक है ना? नंबर भी उस दिन बोले थे लाने के लिए। हाँ तो नंबर तो है ही मैम के पास मेरा। ठीक, फैमिली अभी सब लोग को खाना खाते खाते 10:30 बज गया, मतलब सुहाना का स्कूल छूटेगा, अभी तक हम गए नहीं हॉस्पिटल तो छोड़ देते हैं आज। क्या है, कान दर्द करा अभी भी दर्द कर ही रहा है, तो चलते हैं आज छोड़ ही देते हैं, थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। रात को तो बहुत दर्द कर रहा था। हाँ खाओ 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 खाओ, तो आराम से चलेंगे, और दवा ला के सो नहीं पा रहे थे, नींद नहीं आ रहा था ना, इतना दर्द कर रहा था, बहुत मुश्किल से पैर वैर दबाने लगी तो सुहाना को थोड़ा सा अच्छा लगा, पेट दबा रही थी तो अच्छा लग रहा था। ठीक है खाओ आप खाओ, तो लेट हो गया अभी तो स्कूल नहीं जाएगी, छोड़ देगी, वैसे भी आज दवा ववा खिला के थोड़ा रेस्ट करवा देते जल्दी ठीक हो जाएगा। तो अभी चलते हॉस्पिटल, और ये वीडियो का ड्यूरेशन भी बड़ा हो गया, और 10:30 बज गया, मतलब 11 बजे वीडियो भी जाना होता है हमारा, उधर जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, अपना खुद का गाड़ी वाड़ी है नहीं जो एकदम से जाए तुरंत आ जाए, तो इस वीडियो को हमें अभी पोस्ट करना है, और वीडियो का ड्यूरेशन भी बड़ा हो रहा है वीडियो, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबको दिखाएंगे कि सुहाना का क्या दवा देती है, क्या करती है, क्या करते हैं वहाँ पे डॉक्टर लोग। और एक इनविटेशन हम लोग का आया था पिछले साल, जो हम शादी में गए थे मौसी के देवर जी के शादी में, उनके छोटे वाले देवर का शादी है यहीं पर पास में ही, तो हम लोग वहाँ घर नहीं गए, हम सोचे कि डायरेक्ट यहीं पर हम ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ से सुहाना के पापा अगर हो सके तो चले जाएंगे घर, क्योंकि शादी के बाद होता है रिसेप्शन और उसमें होता है भोज, लेकिन मेरा परसों एग्जाम है फाइनल ईयर का तो मैं नहीं जा पाऊँगी, बस यहीं पे मैं मामी जी के साथ जाऊँगी, और वही सब, तो सारे कुछ आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कहाँ जाने वाले हैं, क्या है, कैसा शादी है, और आईब्रो भी नहीं बनवाए हैं, तो थोड़ा आईब्रो भी, कल गए थे तो बहुत ज़्यादा धूप था, वैसे आज मौसम ठीक है, मतलब हवा चल रहा है, बादल भी लगा हुआ है, तो अभी चलते हैं उधर से सुहाना का दवा भी ले लेंगे, और आईब्रो भी मैं अपना बनवा लूँगी, मामी जी आएंगी शाम को तो हम लोग जाएंगे शादी में, सारे कुछ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है तो देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी ये हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।